गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी? अच्छे। वेरी गुड। आज हम एनिमल्स के बारे में जानेंगे। किसके बारे में जानेंगे? एनिमल्स। जिसमें सबसे पहले आपके सामने वाटर एनिमल, उसके बाद बर्ड्स, वाइल्ड एनिमल्स, और उसके बाद डोमेस्टिक एनिमल। अब आपके सामने जंगल का किंग आ रहा है। कौन आ रहा है? जंगल का किंग। कौन होता है जंगल का किंग? कौन होता है? जो कि एक वाइल्ड एनिमल होता है। कौन सा एनिमल होता है? अब सारे बच्चे जंगल के किंग की पोएम सुनेंगे, बिल्कुल ध्यान से। ओके। क्लैपिंग करिए सारे बच्चे। अच्छी लगी जंगल के किंग की पोयम? अब आपके सामने शार्क आ रही है। कौन आ रही है? जो कि एक वाटर एनिमल होती है। कौन सा एनिमल होती है? वाटर एनिमल। आप इसकी पोयम सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे। ओके। अच्छी लगी शार्क की पोएम? अब आपके सामने बर्ड आ रही है। कौन आ रहा है? बर्ड। बर्ड कहाँ पे उड़ती है? हवा में। कैसे उड़ती है? उड़ के दिखाइए ऐसे सारे बच्चे। कैसे उड़ती है हवा में? ऐसे। अब बर्ड आपको पोएम सुनाएंगे, सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे। My name is Vedi Gupta. Bird, two little dikiva sitting on a watch. One beat, one ball. Fly beat, fly ball. Come back beat, come back ball. अच्छी लगी पोएम आपको? अब आपके सामने रैबिट आ रहा है। कौन आ रहा है? जो कि डोमेस्टिक एनिमल होता है। कौन सा एनिमल होता है? डोमेस्टिक एनिमल। सारे बच्चे बिल्कुल ध्यान से पोएम सुनेंगे। ओके। ओके। माय नेम इज विदिता नन्या। आई एम अ रैबिट। मैं नन्ना से छोटा सा खरगोश, लाल लाल सी गाजर खाता, छिपा छिपा डॉल लगाता। क्लैपिंग करिए सारे बच्चे। आपको चारों एनिमल्स के बारे में समझ आया अच्छे से? हाँ। किस किस को समझ आया? मुझे। सबको आ गया ना? अब एक बार रिपीट करते हैं। हमने आज चार बच्चों की पोयम सुनी जो कि अलग अलग एनिमल्स थे, जिसमें कि आपने बर्ड ने पोयम सुनाई, ठीक है। उसके बाद जंगल के किंग कौन होते हैं? ये लायन। कौन होते हैं? लायन, जो कि वाइल्ड एनिमल होते हैं। कौन सा एनिमल होते हैं? वाइल्ड। उसके बाद रैबिट, जो कि डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं। कौन सा एनिमल? डोमेस्टिक एनिमल। और उसके बाद शार्क, जो कि वाटर एनिमल होता है। कौन सा एनिमल होता है? वाटर एनिमल।
अब सारे बच्चे याद रखेंगे कि आज हमने 4 टाइप्स के एनिमल्स पढ़े। कितने टाइप्स के एनिमल्स पढ़े? 4 टाइप्स के। मजा आया ना एक्टिविटी करने में?